कर दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार प्राची और साथ में सहाना दोनों ही एक्सपोज करती हुई नजर आती हैं इस समय, जो कि रिया और आलिया को। और रिया और आलिया का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वहीं प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को एक तरीका से बोला जाए तो झूठा आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीका से लगातार झूठ बोल रहे हैं इधर आलिया और रिया कि हमारी रिपोर्ट एकदम बढ़िया है। क्योंकि आलिया तो साथ दे रही हैं रिया का, लेकिन दोस्तों वो भूल चुके हैं कि रिया पूरी तरीका से फेक है और फेक का साथ हमेशा से ही दिया है आलिया ने। लेकिन दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आलिया और रिया में एक नया कॉम्पिटिशन और देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाला एपिसोड आप लोगों के बीच में फिर देखने को मिलेगा कि किस तरीका से सिर्फ सभी के सामने बोलता हुआ नजर आने वाला है कि ये जो सब कुछ लीलाएं रच रही हैं ये टोटल पूरी तरीका से फेक है। और आप लोग जानते ही हैं कि फेकनेस का क्या टैग दिया गया है, क्योंकि फेकनेस को आपको बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही डॉक्टर प्रीति के पास से रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में ये भी खुलासा होगा कि हाँ रिया प्रेग्नेंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो रिपोर्ट बार बार आ रही थी वो टोटल फेक रिपोर्ट थी, लेकिन दोस्तों अब आप लोग देख पाएंगे कि ओरिजिनल रिपोर्ट डॉक्टर प्रीति लेकर आएगी और जिसमें खुलासा हो जाएगा कि वाकई में रिया और आलिया मिलकर घर वालों को धोखा दे रही थी। वहीं प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, और रही मेरी रिपोर्ट की बात तो मैं ये बोल चुकी हूँ कि मेरा बच्चा रणवीर का है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए त्यागने को भी तैयार हूँ, फिर रणवीर को चाहे आप रिया को दीजिए या किसी को दे देना। साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।